हाँ, जो फाइनेंशियल प्लानिंग, जो फाइनेंशियल प्लानिंग आज का टॉपिक है, ये क्या है बच्चों? इस फाइनेंशियल प्लानिंग में एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, कि हमें पता लगाना कि हमें कितना पैसा चाहिए होगा बिजनेस को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कितना पैसा चाहिए होगा। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। ये पता लगाना कि एक हमारे जो कमिटमेंट पूरी करनी है, जो हमारे प्लान्स हैं उसको पूरा करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए होगा और वो कहां से, एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड, वो कहां से हम अरेंज कर सकते हैं, इक्विटी बोरोड फंड से या ओनर फंड से, डेब्ट से या इक्विटी से। दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग इज नथिंग बट हमें ये पता लगाना कि हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में और वो पैसा कहां से अरेंज हो सकता है। बच्चों फाइनेंशियल प्लानिंग ये इंश्योर करती है कि हमारे पास एडिक्वेट फंड्स हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, जब जरूरत हो तो हमारे पास अवेलेबिलिटी हो, ना ज्यादा हो ना कम हो। क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा फंड होगा, एडिक्वेट फंड्स होगा, तो क्या होगा, तो हमारे पास बेफालतू में हमारे पास उसी कॉस्ट पड़ेगी और हम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करेंगे। और अगर हमें कम है तो हम अपने प्लान्स पूरे नहीं कर पाएंगे और अपनी कमिटमेंट्स जैसे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल टाइम पे दे नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कंसिडर करती है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कंसिडर करती है बच्चों? एक तो ग्रोथ कंसिडर करती है, दूसरी चीज क्या कंसिडर करती है कि पता लगाती है कि फ्यूचर में कितने हम ग्रोथ, जो हम काम कर रहे हैं उसमें कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, कि मान लो हमारी सेल्स 10-12% बढ़ सकती है, परफॉर्मेंस कि उससे ये पता लगाती है फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हो सकता है। थर्ड, कि हमें फ्यूचर में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फोर्थ, उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कि जो हमने प्रॉफिट कमाया उससे या हमें एक्सटर्नल सोर्स से उठाना पड़ेगा। तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जो अब हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग वर्सेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको मान लो हमारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, उस वेरियस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल में से हमें चूज करना है हमारे पास बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें तो हमें मान लो हमें दो मशीनें हैं हमारे पास, दो मशीनों में से सिलेक्ट करना है कि मशीन ए बेटर है मशीन बी बेटर है। तो मशीन ए के हम कॉस्ट और बेनिफिट देखेंगे, ऐसे मशीन बी के और कॉस्ट और बेनिफिट देखेंगे। जिसके कॉस्ट और बेनिफिट्स, जिसके बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे और कॉस्ट कम होगी, हम वो मशीन सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करें तो हमारे पास बोरोड फंड है और ओनर फंड है, हम दोनों के कॉस्ट और रिस्क देखेंगे। जिसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम होगी और रिस्क सबसे कम होगा, हम उसमें से डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ से हमें पैसा रेस करना है। समझ आ गई बात बच्चों? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर हम पढ़ें चूजिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन आउट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। इसी तरह यहां पे है इवैल्यूएशन बेस्ट फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। लेकिन अगर बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग की, फाइनेंशियल प्लानिंग फोकस करता है कि भैया हमारा बिजनेस, हम जो भी काम कर रहे हैं वो अनइंटरप्टेड चलता रहे, हमें कभी भी जितना टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसमें कोई दिक्कत ना आए, जब जरूरत हो जिस टाइम पे जरूरत हो उस टाइम पे मिल जाए, ना हमारे पास एक्सेस फंड हो ना हमारे पास डेफिसिट फंड हो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए आपको ने कहा कि हमें एक मशीन में इन्वेस्ट करना है, आपके पास दो ऑल्टरनेटिव है मशीन ए और मशीन बी, उसके आप कॉस्ट और बेनिफिट्स देखोगे, जो कॉस्ट और बेनिफिट्स देखोगे उसके बाद जो सिलेक्ट करोगे, दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन अगर आप सिलेक्ट कर ली मशीन ए फॉर एग्जांपल, अब मशीन ए के लिए चाहिए हमें 50 करोड़ रुपीस, अब 50 करोड़ रुपीस कब चाहिए, उस मशीन को कब आपको खरीदना है, 2 महीने के बाद। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये इंश्योर करेगा कि आपको 2 महीने के बाद 50 करोड़ रुपये मिले और जिस टाइम पे चाहिए, ना आपके पास ना एक्सेस फंड हो ना डेफिसिट फंड हो, ताकि आपकी बिजनेस अनइंटरप्टेड चलता रहे। दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने डिसीजन लिए हैं उसके लिए जो फंड्स चाहिए उसमें कोई दिक्कत ना आए, जब चाहिए वो उस टाइम अवेलेबल हो। तो मुझे उम्मीद है आपको बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में डिफरेंस समझ आ गया होगा। जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। देखो जो हमें बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को कई तरह के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डे टू डे एक्सपेंसेस, रोज के खर्चे, जैसे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, सैलरीज हैं, वेजेस हैं। तो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर करती है, फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करती है
कि हमारे पास जब भी पैसों की जरूरत हो तब हमारे पास अवेलेबिलिटी हो, कोई शॉर्टेज ऑफ फंड ना हो, ना हमारे पास एक्सेस ऑफ फंड हो. तो जो भी हमारे डिसीजन, जो भी हमारे फ्यूचर में परचेज हो एसेट्स के लिए और डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो भी पैसे चाहिए वो जब जरूरत हो तब मिल सके. बेसिकली यहाँ पे ये देखती है कि ये टाइमिंग भी देखती है और अमाउंट, मतलब टोटल हमें देखना होता है कि अमाउंट कितना पैसा चाहिए और किस टाइम पे चाहिए, ताकि हमारे पास उस टाइम पे अवेलेबिलिटी हो और हमारा काम अनइंटरप्टेड चलता रहे. तो अगर हम दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू इंश्योर अननेसेसरी फाइनेंसिस नॉट रेज, ये भी देखती है कि हमारे पास एक्सेस फंड ना हो, क्योंकि एक्सेस फंड से अननेसेसरी कॉस्ट आती है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स होते हैं. और अगर हमारा डेफिशिट, तो ये अरे ये देखती है कि भैया अगर हमारे पास फालतू फंड है, एक्सेस फंड है, तो अच्छी तरह से ये इन्वेस्ट हो सके, कोई ताकि कॉस्ट को ऐड ना कर सके और ना ही हमारा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो. और अगर हमारे पास डेफिशिट फंड है, तो ये देखती है कहाँ से हमें अरेंज किया जा सकता है पैसा, कौन से सोर्सेज है जहाँ से हम पैसा अरेंज कर सकते हैं. आगे चलते हैं. जो फाइनेंशियल प्लानिंग दो तरह की होती है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और एक होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग डील्स विद जैसे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, और कि हमें फ्यूचर में जनरली ये कैपिटल बजटिंग डिसीजंस डील करती है. जनरली ये प्लानिंग होती है 3 to 5 years के लिए, कि हमारे 3 से 5 साल में हमें देखती है परफॉर्मेंस हमारी कैसे रहेगी, हमारी ग्रोथ कैसे होगी, इसके अलावा कौन से हमें फिक्स एसेट में फ्यूचर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इससे ज़्यादा जो 3 से 5 साल तक की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसके आगे हमारी कोई ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग यूजफुल नहीं रहेगी, इसलिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग 3 to 4 5 years तक होती है. अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो ये less than 1 year के लिए होती है, ये बजट्स के लिए होती है, ये देखने के लिए होती है कि हमें डे टू डे एक्सपेंसिस के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, क्या जैसे कैश फ्लो बनाए जाते हैं, देखते हैं कि 1 साल के अंदर हमें कहाँ कहाँ से पैसा कहाँ आएगा, कहाँ कहाँ से पैसा जाएगा. अगर शॉर्टेज होगी तो उसके अरेंजमेंट करें, अगर डेफिसिट है, अगर ज़्यादा है तो उसे इन्वेस्ट करें. तो दीज आर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. हाँ जी, जो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस की बात करें, तो पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट. हमें फोरकास्ट करनी है आपको, हमें पता लगाना है कि नेक्स्ट फाइव ईयर्स में हमारी कितनी सेल्स होने की एक्सपेक्टेशन है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर. उसके बाद बच्चों उस फोरकास्ट के बेसिस के ऊपर हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, यानी कि हमें कितने फिक्स एसेट की जरूरत होगी, कितने करंट एसेट की जरूरत होगी. दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होते हैं, फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल. यानी हमें सेल फोरकास्ट माइंड पर रखते हुए ये डिसाइड करना है कि कितना पैसा हम फिक्स कैपिटल में रखेंगे और कितना पैसा हम वर्किंग कैपिटल में रखेंगे. ठीक है, उसके बाद सेल्स फोरकास्ट एस्टिमेट कर ली, ये पता लगा लिया कितना पैसा फिक्स कैपिटल में रखना है, कितना पैसा वर्किंग कैपिटल में रखना है. स्टेप 3, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. हम पता लगाएंगे कि जो हमने सेल्स है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उससे हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है. ऐसा स्टेप क्यों किया जाता है, ताकि ये पता लगा सके उस प्रॉफिट में से हम कितना डिविडेंड बांट देंगे और कितना रिटेन अर्निंग करेंगे. ये ऐसा हम क्यों पता लगा रहे हैं कितना डिविडेंड बांट देंगे, कितना रिटेन कर देंगे, क्योंकि रिटेन अर्निंग इज अ सोर्स ऑफ फंड्स. जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए रिटेन अर्निंग से कितना हम जो इन्वेस्टमेंट टोटल फंड हमें चाहिए उसमें रिटेन अर्निंग से कितना हम फाइनेंस कराएंगे, दैट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फंड कितना होगा. तो जो टोटल फंड्स है उसमें से हमें पता लगा लिया कि रिटेन अर्निंग से कितना रेस करना है, तो बाकी जो रह गया वो क्या हो गया, हमें एक्सटर्नल सोर्स से फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इससे हमें पता चल गया टोटल प्रॉफिट निकालने से कि कितना हमें डिविडेंड देना है और कितना हमें रिटेन करना है. जितना रिटेन करना है वो इंटरनल सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा. उसके बाद है बच्चों हमने पता लगा लिया कि भैया हमें कितना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड चाहिए उस, तो एस्टिमेशन ऑफ, स्टेप 4, एस्टिमेशन ऑफ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फंड्स. कि हमने थर्ड स्टेप में हमें पता लगाया कि कितना प्रॉफिट है, कितना डिविडेंड बांट दिया और कितना हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ फंड है. टोटल फंड में स्टेप 4 में टोटल फंड में से हम जो इंटरनल सोर्स से जो फाइनेंस करेंगे वो माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड से कितना पैसा चाहिए. एंड नेक्स्ट हम स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट. हमने पता लगा लिया कि टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए होगा. अब डे टू डे एक्सपेंसेस को मेट करने के लिए हमें कहाँ से कैश इनफ्लो जाना है, कहाँ से कैश आउटफ्लो जाना है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, कैश बजट बनाएंगे. क्या बनाएंगे, कैश बजट. तो कैश बजट हेल्प करता है कि कहाँ से कैश आया और कहाँ से कैश गया. तो वो जो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, पहला सेल्स प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट, 5 सालों की सेल फोरकास्ट कर लो
उसके बेसिस में पता लगाओ कि उस सेल्स को अचीव करने के लिए जो 5 सालों में हमें टोटल इन्वेस्टमेंट करने की कितनी जरूरत पड़ेगी, फिक्स एसेट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब वो जो टोटल इन्वेस्टमेंट का पता चल गया कि हमें टोटल पैसा कितना चाहिए, जो टोटल पैसा कितना चाहिए, अब उसमें वो पैसा कहाँ से आएगा, कितना इंटरनल सोर्स से करना है, कितना एक्सटर्नल सोर्स से करना है। स्टेप 3, प्रॉफिट एस्टिमेट करो, क्योंकि प्रॉफिट में से हमें जो एक बार प्रॉफिट निकालने का पर्पस ये है ताकि ये पता चले कि उसमें कितना डिविडेंड दे देंगे और बाकी कितना रिटेन्ड होगा। जितना रिटेन होगा वो हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ फंड होगा, वो हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, ठीक है। स्टेप 4, टोटल फंड जितना चाहिए उसमें इंटरनल सोर्स ऑफ फंड स्टेप 3 से निकाला, वो माइनस करके हम पता जाएगा एक्सटर्नल फंड से कितना पैसा रेज करना है। फिर उसके बाद हम देख लेंगे भाई वो एक्सटर्नल फंड कहाँ से रेज करना है, इक्विटी से या बोरोड से। उसके बाद डेली के हम कैश बजट बनाएंगे कि डेली के कैश इनफ्लोज कितने होंगे और कैश आउटफ्लोज कितने होंगे डेली के डे टू डे एक्सपेंसेस करने के। तो दिस इज बच्चों फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। जो एक छोटा सा टॉपिक, बहुत इजी जो टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की बात करें, इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, यानी ये कंपनी को हेल्प करती है फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने सेल्स फोरकास्ट की कि हमारी सेल्स ग्रो होगी 20% से, लेकिन जो हम 20% के लिए तो बजट बनाते ही है, लेकिन साथ में हम ये भी सोच लेते हैं कि अगर हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, 30% भी सेल्स में इंक्रीज़ हो सकता है कि 10% भी सेल्स में इंक्रीज़ हो, तो हम जो बजट बनाते हैं 10% के हिसाब से बनाते हैं, 20% के हिसाब से बनाते हैं, 30% के हिसाब से बनाते हैं। तो फ्यूचर में, फ्यूचर इज अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है। सेल्स हम जो सोच रहे हैं 20% के से उससे ज़्यादा ग्रो कर सकती है, उससे कम ग्रो कर सकती है, तो हम फ्यूचर के लिए तैयार है, चाहे फ्यूचर में चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर इस सेशन आ गया तो 10% ग्रो होगी, अगर बूम आ गया तो 30% से ग्रो होगी। तो हम फ्यूचर के लिए ये फाइनेंशियल प्लानिंग हमें हेल्प करती है, चाहे जो हमने एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, हम दोनों के लिए हमारे बजट तैयार होते हैं, हम दोनों के लिए तैयार होते हैं। अगली बात करते हैं जो इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस एंड इम्प्रूव्स द चांसेस ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। देखो, जो बिजनेस में आपको पता है शॉक्स लगते रहते हैं, आपने देखा कोरोना वायरस आ गया, शॉक लगा, सारे बिजनेस बंद हो गए लॉकडाउन के दौरान। तो ऐसे इसी तरह और भी कई शॉक्स आते हैं, जैसे कोई जहाँ पे मान लो कोई सुनामी आ जाती है, जहाँ पे जो सी के पास होते हैं तो उनका बिजनेस इफेक्ट हो जाता है, एकदम से आग लग जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है। तो बिजनेस जब ये फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है तो ये अनसर्टेनिटीज को कंसिडर करते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, इस वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। ये हमें हेल्प करते हैं बिजनेस शॉक्स और सरप्राइजेस। एक तरह लॉकडाउन सबके लिए सरप्राइज था, ठीक है, ऐसी कोई अर्थक्वेक आ जाए और एकदम सब कुछ बिल्डिंग ढह जाए तो सरप्राइज था। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो फाइनेंशियल प्लानर होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इन सब चीज़ों को कंसिडर करके चलते हैं, तो बिजनेस शॉक्स को आराम से सह जाता है और फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है। अब चलते हैं जो थर्ड है, इट हेल्प्स इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फंक्शंस बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ऑब्वियसली जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हर के लिए जो प्लानिंग होती है वो हर के लिए होती है कि भैया हमें जो फॉर एग्जांपल कि हमने प्लानिंग हमने फंड्स के लिए जो हम जो फंड रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोडक्शन को देखते हुए होती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता दिया जाता है कि भाई आपको इतनी प्रोडक्शन करनी है, साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट को बता दिया जाता है इस प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल के लिए इतना पैसा चाहिए, लेबर के लिए इतना पैसा चाहिए, मशीनें इतनी खरीदनी पड़ेगी, आपको इतना फंड्स के अरेंजमेंट करनी है। यानी प्रोडक्शन और फाइनेंस और रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट सबको एक साथ लेकर चला जाता है, कोऑर्डिनेशन होती है। जब कोऑर्डिनेशन होती है तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्योंकि हमें हर बंदे के क्लियर पॉलिसीज है कि प्रोडक्शन को इतना प्रोड्यूस करना है, परचेज डिपार्टमेंट को इतना प्रोड्यूस करना है, उसके लिए इतना पैसा चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को इतना पैसा अरेंज करना है, कम से कम कॉस्ट में करना है, तो वो जो इससे कोऑर्डिनेशन आती है डिफरेंट फंक्शंस में, जो प्लानिंग जो फाइनेंशियल जहाँ जहाँ वो प्लानिंग करनी है आपको ऑर्गेनाइज करना है, हर जगह आपने क्लियर डिटेल पॉलिसी एंड प्रोसीजर है, तो हर जगह हर बंदा हर डिपार्टमेंट हर फंक्शन एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलता है, एक दूसरे का देख कर चलता है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आती। फोर्थ है जो इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग एंड बाय प्रिपेयरिंग डिटेल प्लान ऑफ एक्शन। जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही बंदा क्या कहते हैं पैसा अरेंज कर रहा है, वही मतलब हमारे में पूरा डिटेल प्लान तैयार है, किसको क्या काम करना है, किसको फंड्स का अरेंजमेंट करना है, किसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखना है, किसको फाइनेंस डिपार्टमेंट देखना है, किसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखना है, किस किस पर्सन को डिविडेंड डिसीजन देखना है। हर बंदे को काम असाइन है कि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखने हैं,
दूसरे बंदे को असाइन है आपको फाइनेंस डिसीजन देखने हैं, तीसरे को आप डिसाइड है आप डिविडेंड डिसीजन देखने हैं। हर बंदे को अपना अपना काम पता है, जब हर बंदे को अपना अपना काम पता है वो दूसरे काम में टांग नहीं अड़ाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होंगे और कोई गैप नहीं आएगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंस है बच्चों, इट हैज़ टू लिंक बिटवीन प्रेजेंट विद द फ्यूचर। ऑब्वियसली प्रेजेंट, अभी हमें पता है कि हमारे पास प्रेजेंटली क्या रिसोर्सेज हैं, हमारे पास प्रेजेंटली क्या, हमने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, मान लो 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 40 करोड़ का प्रॉफिट बांट दिया, तो हमें पता है हमारे 60 करोड़ का रिटेन अर्निंग्स हैं, और मान लो फ्यूचर में हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी 150 करोड़ की, तो हमें पता है अभी अभी वहाँ पे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है 60 करोड़ के, फ्यूचर में चाहिए 90 करोड़, तो हम फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं कि 90 करोड़ चाहिए। तो इस तरह से ये लिंक बनाता है प्रेजेंट विद द फ्यूचर कि अब हमारे पास प्रेजेंट रिसोर्सेज कितने हैं और फ्यूचर में रिसोर्सेज कितने चाहिए होंगे, तो उसका गैप क्या है, उस तरह से फ्यूचर में आपको क्या कितना चाहिए होगा वो अरेंज कर लो। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। इट हैज टू लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर कि टोटल फंड फ्यूचर में कितना चाहिए 150 करोड़, आज हमारे पास रिटेन अर्निंग कितनी है 60 करोड़, फ्यूचर में कितना चाहिए 90 करोड़। इस तरह से हमने लिंक ढूंढा किसके बीच में, प्रेजेंट विद द फ्यूचर। सिक्स, इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंस डिसीजन ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस। बच्चों जैसे हमें वही मैंने बताया, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हमें पता एक दूसरे पे लिंक बनाया जाता है कि भैया फॉर एग्जांपल हमें इन्वेस्टमेंट करनी है इन्वेस्टमेंट करनी है 100 करोड़ की, फिर से वही फाइनेंसिंग डिसीजन। अब या उसके लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो पहले से फाइनेंस डिसीजन को बता दिया कि हमें फ्यूचर में इतना फाइनेंस की जरूरत करनी है, आप देख लो भैया कैसे उठाना है, डेब्ट से उठाना है या इक्विटी से उठाना है, आप डिसाइड कर लो। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस डिसीजन में लिंक बना रहता है। फाइनेंस डिसीजन